पढ़ते हैं बच्चों, बौद्धिक प्रदेश राजस्थान में प्रमुख बौद्धिक विभाग में कितने बार बांट सकते हैं, कितने बार बांट, 4 बार बांट सकते हैं, कौन कौन से अभी देखते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी मैदान। ठीक है, उत्तरी पूर्व में क्षेत्र पर कितना, 61.11%, जनसंख्या 40%, जिले 12, वर्षा कितनी है, 10 से 4, शुष्क कांटेदार और रेतीली बलुई मिट्टी छोड़, जबकि अरावली प्रदेश 9.1%, जनसंख्या 10%, जिले कितने होते, मुख्यतः 4 में से 13 जिले, 40 से 60 सेमी वर्षा होती है। उप आर्द्र जलवायु कैसी होती है, उप आर्द्र जलवायु उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, पूरे मैदान में 23%, 23.13%, जबकि 39% जनसंख्या 10% 10 जिले होते हैं और आर्द्र जलवायु। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 6.49% क्षेत्रफल होता है, जनसंख्या 11%, जिले 7 और वर्षा 80 से 120 सेमी, अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वर्षा वाला बांटना है। ठीक है, वर्षा वाला बांटना है, उत्तरी पश्चिमी रेतीले मृदेश प्रदेश में क्या होता है, 11 से 12 सेमी, पूरी मैदान प्रदेश में 40 से 80 सेमी, मध्य पहाड़ी क्षेत्र में 20 से 90, दक्षिण पूर्वी प्रदेश में 90 सेमी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुटका मिलान करो, कुटका मिलान करना है तो देखते हैं इसका, कुटका मिलान करें तो ये देख लो, डायरेक्ट इसमें देख लो आप, कुटका मिलान करना है तो 1, 2, 3 सही है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में क्या होता है, समय में आर्कीट क्रम धरात्री लक्षण गोंडवान लैंड का स्थापन होता है, बोधि प्रदेश में पश्चिमी बालों का स्तूप, ये कौन सा है, पूरी मैदानी प्रदेश मरुस्थल में, पूरी मैदानी भाग में मरुस्थल का समय, 33 महासागर में अरावली हाड़ौती पठार गोंडवाना का लैंड का हिस्सा थे। छोड़ इसको, अभी देखते हैं, संरचना दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है, उत्तरी मरुद मैदान प्राय द्वीपीय पठार है, अरावली हाड़ौती का पठार भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, मरुस्थल एवं मैदान भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। राजस्थान के धरातल स्वरूप के संबंधों में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी घाटी द्वारा निर्मित मैदान है, जबकि उत्तरी पूर्वी मैदान 33 महासागर का अवशेष माना जाता है, इसे यूसीन काल तथा प्लेस्टोसीन युग के क्षेत्र का एक विशाल समुद्र 33 महासागर था। आगे चलते हैं, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, पश्चिमी रेतील मैदान 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप से मुक्त प्रदेश है, जब संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी भरत मैदान पर माटी का स्थायी हिस्सा है, जबकि अगला अरावली अरावली पर्वतमाला और वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, महान सीमा वरन हाड़ौती एवं अरावली के मध्य स्थित है, इसका विस्तार बूंदी सवाईमाधोपुर करौली धौलपुर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यह पठारी भाग उत्तरी पश्चिमी में अरावली के महान सीमा बरस द्वारा दक्षिण के पूर्वी मेवाड़ मैदान स्थित है। आगे देखते हैं।
महान सीमा भ्रंश राजस्थान किस जिले से में नहीं गुजरता है? भीलवाड़ा में नहीं गुजरता है। राजस्थान के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधार उत्खनन किया गया था AM हेरोन ने द्वारा AM हेरोन द्वारा किया गया था। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, किससे संबंधित है? कार्बोनिफेरस के द्वारा। बाप बोल्डर्स युग के बाद बाप बोल्डर्स बेट राजस्थान किस जिले में है? जोधपुर में। किस में? जोधपुर में। राजस्थान का कौन सा भौतिक अंचल प्राचीन राजस्थान का है? अरावली प्रतमारा। सर्वप्रथम अरावली प्रतमारा, जिसके बाद दक्ष सर्वप्रथम अरावली प्रतमाला का उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद दक्षिण पूर्वी का भाग, उसके बाद पूर्वी स्थान, उसके बाद पश्चिम मरुस्थल का उद्गम हुआ था। अरावली प्री कैम्ब्रियन युग दक्षिण पूर्वी पठार में, क्रेटेशियस युग पूर्वी मैदान में, प्लेस्टोसीन प्रारंभिक थार मरुस्थल में, प्लेस्टोसीन उत्तर युग। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? सात में। कितने? सात। राजस्थान ने भौतिक प्रदेशों में सात में वीसी मिश्रा राजस्थान कौन कौन से? पश्चिम प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि चंबल बीड प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्न कथनों पर परीक्षा कीजिए तथा नीचे दिए कथन का सही चयन कीजिए। एक, राज्य की 61.11% भूभाग व पश्चिम रेतन मैदान का हिस्सा है। ठीक है, सही युग्म कीजिए। मरुस्थल कितना परसेंट है? 40%। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तरी पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, इसका निर्माण ट्रसिन कारी तथा प्लेस्टोसीन के द्वारा। इसका विस्तार कुल लंबाई 640, चौड़ाई 300 मीटर, औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर समतल से। इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग है, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। प्रदेश का पश्चिमी भाग थार के मरुस्थल का तथा पूर्वी भाग मारवाड़ का कहलाता है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम जाता है। राजस्थान में थार के मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र में जनसंख्या का कितना परसेंट है? 61% जनसंख्या 11%। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर मरुस्थलों से घिरा हुआ है? कितने 61% मरुस्थलों से घिरा है। कितने? 61%। रावी श्रृंखला के पश्चिम उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों राज्य कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, पश्चिम से पूर्व में हो रहा है, पश्चिम से पूर्व में हो रहा है। थार के मरुस्थल पर किन राज्यों तक है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। भारत में थार के मरुस्थल भारत में 85% पाकिस्तान और 15% किस में है? पाकिस्तान में है। इसका विस्तार भारत के राजस्थान में ओनली 62% है। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, पंजाब में है। थार के मरुस्थल उत्तरी पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा वह 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीले मरुस्थल है, जिसके कुल क्षेत्र पर कितना? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। मध्यवर्ती गति से मैरो कहा जाता है उस क्षेत्र जहाँ पाए जाते हैं, उसके चारों ओर हरियाली विकसित की जाती है, इसे नख
स्थानलक नखलिस्तान कहते हैं। पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र का लगभग कितना है? 1,75,000। राजस्थान का परिगणित मरुस्थल क्षेत्रफल कितना है? 1,79,250 50 पॉइंट। इतना राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना परसेंट रेगिस्तान है? कितना परसेंट रेगिस्तान है? राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग पर रेगिस्तान है? 2/3। इतना 2/3 भाग पर। भारत में इक्वेशन रेट हो गया। चलो भू जलवायु में प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? 7,000। निम्न में से थार की मरुस्थल किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? दक्षिणी भाग। समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 मीटर, दक्षिणी भाग में 300 मीटर ऊंचाई। राजस्थान के कितने जिलों में थार मरुस्थल फैला हुआ है? 12 जिलों में। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राज्य के 12 जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर में मरुस्थल फैला है। राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिले शामिल हैं। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? दरियन। शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टीले को दौरे को दरियन के अधिक फैलाव के कारण से थली रेत ही रेत कहा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में डांड कहा जाता है। राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल खास माना जाता है, विशेषता माना जाता है, अवशेष माना जाता है, टेटिस सागर के अवशेष माना जाता है। टेटिस सागर थार का मरुस्थल में पूरी मैदान भाग में किसी समय टेटिस महासागर का भाग था। टेटिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान आज भी सभी सांभर, डीडोना, पंचभद्र आदि खारे पानी की झीलें, जिसे प्याला जिले स्थित है, आकल गांव जैसलमेर के जास में प्रमाण विसी के अंकित करते हैं। प्याला जिले राजस्थान किस भौतिक अंचल से मिलते हैं? थार का मरुस्थल से मिलते हैं। गोडाउन पड़ित राजस्थान किस वृद्ध भूभाग व आकृति विभाग का है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, अर्ध शुष्क मैदान के उपखंड लूनी बेसिन गोड़ा प्रदेश के रूप में जाना जाता है। कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल संबंध नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? यह है यहाँ सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, ये विशेषता नहीं है। थार के मरुस्थल कांटेदार झाड़ियाँ, जबकि सघन वनस्पति पूरी मैदान में पाए जाते हैं। सदाबहार अंतरिक्ष मेहमानों को पसंदीदा जगह जहाँ पर 1 दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं, वो कौन सी जगह है? थार का रेगिस्तान अंचल। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल विश्व को सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5%। देखते हैं 41.5%। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। 60%। कितने? 60%। पश्चिमी रेतीले मरुस्थल
का लगभग उनसठ से 60% बालूग्रस्त अवांछित है। थार के मुस्तुल पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है जो 20 सेमी तथा समोर सारिका के पश्चिम क्षेत्र में 10 से 20 मीटर ऊंचाई 100 से 200 मीटर चौड़ाई पर फैले हुए हैं। देखते हैं मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान वालों के स्तूप का होता है क्योंकि सर्वाधिक गतिशील होते हैं। बालेरी चूरू जैसलमेर सीकर सूरतगढ़ लोणकसर कर्णिमाता जोधपुर में मिलते हैं। यहाँ बालों का स्तूप मंद पौनोमुखी डाले तिरुनोमुखी डाल वाला होते हैं। बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान में कौन से क्षेत्र में पाया जाते हैं? 20 सेमी सम वर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा बालू का स्तूप मंद पर्वतमुखी ढाल तीर पर्वतमुखी ढाल वाला होता है? बरखान कौन सा होता है? बरखान बरछान बरछान क्यों होता है? विशेष आकृति के बालों के टीलों को बरछान कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बरखान बरखान या बरकान बरखान या बरकान स्थलाकृति किन भौतिक विभाग को संबंधित होता है? मरुस्थली संबंधित सीप से सीप एक है क्या है? अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजाओं आगे की ओर बढ़ जाती हैं, जिसे सीप कहा जाता है। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालों का स्तूप चिन्हित होते हैं? रेखीय पौनोमुखी बालों का स्तूप होते हैं। अनुदैर्ध्य पौनोमुखी रेखीय बालों का स्तूप। इसका विस्तार जैसलमेर दक्षिणी पश्चिमी जोधपुर व बाड़मेर जिलों में पाया जाता है। इन रेखीय बालों के स्तूप की ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक पाई जाती है। पौनोमुखी स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप होते हैं। जैसलमेर किस प्रकार के बालों स्तूप पाए जाते हैं? अनुदैर्ध्य बालों के स्तूप पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालों के स्तूप पाए जाते हैं? बरखान परवली बालों का स्तूप पाए जाते हैं। सी पौनमुखी रेखी अनुदैर्ध्य बरखान अपौनीय अनुप्रस्थ बालों के स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालों का स्तूप का प्रकार नहीं है? थली नहीं है। कौन सा नहीं है? थली। बालों का स्तूप युक्त मरुस्थल प्रदेश में सर्वाधिक बालों का स्तूप जैसलमेर में, सभी प्रकार के बालों के जोधपुर में, बरखान एवं अर्धचंद्राकार बालों का स्तूप है। अनुदैर्ध्य पौनो मूर्ति रेखीय बालों का स्तूप है। पेरावोलिक बालों का स्तूप है। सीप बालों का स्तूप है। अनुप्रस्थ बालों का स्तूप है। इनकी ऊंचाई कितने थे? 10 से 40 40। ठीक है, बीकानेर हनुमानगढ़ के रावत गंगानगर सूतगढ़ झुंझुनू मिलते हैं। आगे चलते हैं। अनुप्रस्थ बालों का स्तूप इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 40 मीटर स्तूपों के मध्य दूरी 500 से 1000 मीटर होती है। ये पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले स्तूप होते हैं। बीकानेर हनुमानगढ़ के रावतसर गंगानगर के सूरतगढ़ चूरू झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। तारागढ़ बालों का स्तूप हमादा के चारों ओर पाए जाने वाले बालों का स्तूपों को तारानुमा
कुछ तुक्का आ जाता है। तारा बालू कुछ तुक जैसलमेर की मोहनगढ़ पोखरण क्षेत्र के तत्कालीन सुखगढ़ में मिलते हैं। रास्ते में कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कौन से पाए जाते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर और सूतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर। ठीक है। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? बीकानेर जिलों में पोंगल के चारों। अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अनुप्रस्थ बीकानेर, गंगानगर मिलते हैं। बालू के स्तूपों का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? इंसेल्स वर्ग नहीं है, थार मरुस्थल। थार का मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू के स्तूप से पट्टी की पड़ी है? पेरा ओलिक राजस्थान के विपरीत या हेरपिन जैसे बालू का स्तूपों को पेराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप बीकानेर में सर्वाधिक है। पेराबोलिक बालू का स्तूप को इसका विस्तार संपूर्ण मरुस्थल क्षेत्र में है। थार मरुस्थल के संदर्भ में पेराबोलिक क्या है? बालू का स्तूप है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू का स्तूप है कौन सा है? पेरा बोलिक। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? कौन सा है? फलोदी पोखरण। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा है? फलोदी पोखरण। मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालू का स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र में बालू का स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में है। पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में फलोदी तहसील के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत है। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रेक पाया जाता है किसमें? बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण में। लाठी सीरीज क्या है? क्या है लाठी सीरीज? भूमिगत जल पट्टी है। लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर से पोखरण मोहनगढ़ पाकिस्तान के सारे सारे भूगर्भ जल छोटी पट्टी है। यह भूगोल बेट से लाठी क्षेत्र कहा जाता है। यह चांदन नलकूप पेयजल आपूर्ति के कारण थार का गढ़ा कहा जाता है। जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है वह है जैसलमेर में। किसमें? जैसलमेर में। आकल गांव जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर पहाड़ जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित है। जीवाशेष पार्क बनाया गया है। यह 21 हेक्टेयर क्षेत्र में 18 करोड़ वर्ष पूर्व सागर जीवाश्म पाए जाते हैं। आकल वुड फॉरेस्ट पार्क का समय जीरा शिकार कहा जाता है। जब इसमें प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। आकल गांव जिसमें संबंधित है काष्ठ जीवाश्म उद्यान से किससे? राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? आकल गांव में स्थित। आकल आगे देखते हैं। निम्नलिखित थार के मरुस्थल के भाग है कौन कौन से हैं? गोडवान, सिकावटी और काकर का मैदान, जबकि बनास नदी का मैदान नहीं है। अर्ध शुद्ध मैदान पांगड़ प्रदेश का विभाग है। कौन कौन से? घग्गर क्षेत्र, काली मिट्टी निर्मित बने उपजाऊ, इसका विस्तार गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में है। ऐसे घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। यह प्राचीन काल से घग्गर नदी हिमालय से निकल कर प्रदेश में बहती है। नागौरी उच्च प्रदेश।
नागरू उच्च प्रदेश में समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 500 मीटर। नागौर उच्च प्रदेश नागौर जिले में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग अंत्य प्रवाही है। इसके धरातल में पाए जाते हैं। इसके फल अजमेर को नागौर और अजमेर के मध्य फ्लोराइड प्रवाहित क्षेत्र से कुबड़ पट्टी पाई जाती है। ठीक है, सेकवाड क्षेत्र आंतरिक जल प्रवाह का मैदान समुद्र की ऊंचाई 450 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग अंत्य प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अरावली क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी में एक उपजाऊ मैदान तथा दूसरी तरफ सेकावटी में स्थित है। सेकावटी भूभाग उपखंड उपज लूणी बेसिन गोडवान बेसिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में लूणी की उनकी सहायक नदियों द्वारा पाली सिरोही जोधपुर जालौर में जिलों में है। लूणी बेसिन सबसे अधिक विस्तृत मैदान है समुद्र तक पहुँचाई का। संपूर्ण बेसिन 47.91% घेरा है लूणी नदी का। पानी बालोतरा पहाड़ी पर अपतंत्र। ठीक है, गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान कौन कौन सा होता है? गग्गर मैदान कौन कौन सा? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? सेकावट क्षेत्र लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृति भूभाग विभाग का एक भाग है। पश्चिमी मरुस्थल कौन सा है? पश्चिम गोंडवान प्रदेश को यह भी कहा जाता है। लूणी जवाई बेसिन कहा जाता है। लूणी जवाई बेसिन का जवाई बेसिन अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोडवार प्रदेश का नाम जाना जाता है। निम्न से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान बहुत ही प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? जोधपुर उच्च भूमि नहीं, नागौर की उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कौन सी है? 300 से 500 मीटर। निम्नलिखित से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान के बांगड़ में सम्मिलित है? नहीं है। कौन सा नहीं है? 56 का। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है? सेकाट प्रदेश को बांगड़ प्रदेश का दो भूभाग बांगड़ प्रदेश बांगड़ प्रदेश प्रदेश में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में बांगड़ कहा जाता है। जबकि बांगड़ प्रदेश अरावली पर्वत का पश्चिमी मरुस्थल अरावली पर्वत पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग को जैसे झुंझुनू सीकर पूरी चूरू नागौर पाली जिले में नरहट बादरा नोहर हनुमानगढ़ कन्नड़ आदि भूभाग को आगे देखते हैं सम्मिलित करूँ। बांगड़ प्रदेश का है बांगड़ प्रदेश बांसवाड़ा में बांगड़ प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। राजसमंद नहीं है झुंझुनू चूरू है। राजस्थान विश्व प्राचीन पर्वतमाला जो गोडवान लैंड के भाग उसका नाम है अरावली पर्वतमाला है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला प्रायगिनकार काबेनी पेरिस युग का है। जैसे अंगारा लैंड टेटिस सागर अंगारा लैंड में क्या होता है? राजस्थान में ही अवशेष नहीं है टेटिस सागर के। मरुस्थल प्रदेश और पूरी मैदान प्रदेश है गोडवाना अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पूरी पटाजी प्रदेश है। अरावली पर्वतमाला को सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है अरब सागर तट। कौन सा है? अरब सागर तट। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिण क्षेत्र के अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप की मिनिकाय द्वीप से माना जाता है। इस कारण से अरब सागर को अरावली का पितामह कहा जाता है। जिस दिशा में अरावली श्रेणी का चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है उत्तरी पूर्वी से दक्षिण पश्चिम। उत्तरी पूर्व से
दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर तक चौड़ाई तक लगी हुई है। विस्तृतता दक्षिण पश्चिमी भाग अधिक चौड़ाई विस्तृत है, जबकि उत्तरी भूभाग सकड़ा पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? देखते हैं किधर जाती है। सिरोही तक जाती है। सिरोही किधर से जाती है? दक्षिण पश्चिम से। इधर से अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? राजस्थान में खेड़ा ब्रह्मा गुजरात खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 550। खेड़ा ब्रह्मा तक 13 जिलों में यथावत है। उदयपुर राजसमंद सिरोही डूंगरपुर भीलवाड़ा सीकर पाली चित्तौड़गढ़ अलवर अजमेर झुंझुनू जयपुर अलावा नवीनतम प्रतापगढ़। कुल लंबाई 692 से में से 550 राजस्थान में स्थित अरावली विश्व प्राचीन पुरातत्व पर्वतमाला है। कुल कितने जिला? 13 जिला आते हैं। ठीक है, राजस्थान के 9 जिलों में से कौन सा एक जिले अरावली पहाड़ विस्तार नहीं है? कौन सा नहीं है? जालौर। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना है? प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से में? प्री कैम्ब्रियन काल में। भूगर्भीय दृश्य से अरावली पर्वतमाला मुख्यतः अरावली का सुपर ग्रुप नीस शिफ्ट ग्रेनाइट दिल्ली चट्टानों से बना है, जिसका उत्तम उत्पत्ति माना जाता है। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? यूरेशियन प्लेट से। किससे? यूरेशियन प्लेट से।